दोस्तों एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज नीट 2021 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यानी कि इस वीडियो में जानेंगे नीट एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, क्योंकि बताने से कुछ नहीं होता है, दिखाना ही पड़ता है। मैं आपको सबसे पहले ऑलरेडी एक एडमिट कार्ड दिखा पा रहा हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, तो अपने मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे सर्च कीजिए सरकारी उजाला, स्पेलिंग है SERKARIUJALA.com, सरकारी उजाला .com। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नीट के संबंधित या कोई भी और जी मेन्स या कोई भी एडमिशन या फिर कोई भी वैकेंसी संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ मिल जाती है, रिजल्ट हो या एंसर की हो। इस पे क्लिक कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। जैसे सर्च करेंगे सबसे फर्स्ट में आपको वेबसाइट मिल जाएगी सरकारी उजाला .com, उस पर आपको क्लिक करना है। मैं उस पर क्लिक करता हूँ, वैसे इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करने के बाद नीचे चलेंगे, एडमिट कार्ड का सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है एनटीए नीट यूजी 2021 एडमिट कार्ड, और उस पर क्लिक करना है। मैं उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे चलेंगे इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में। यहाँ पे देखिएगा इंपोर्टेंट लिंक का सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड, सामने लिखा है लिंक 1 लिंक 2, दोनों लिंक दिए गए हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक लिंक अगर फेल हो जाता है तो सेकेंड लिंक से आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। फिलहाल हम किसी एक लिंक पर क्लिक करेंगे, तो हम लिंक 1 पे अभी क्लिक करते हैं। अगर लिंक 1 नहीं काम करे तो लिंक 2 से ट्राई कीजिएगा। लिंक 1 पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज खुलेगी, जहां पे सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना होगा। सिक्योरिटी पिन क्या होता है, तो सिक्योरिटी पिन जो आपको नीचे दिख रहा होगा, ये जो X7I184, ये जो है वो सिक्योरिटी पिन है जो कि रेंडमली चेंज होता रहता है। आपके सामने कुछ और दिखेगा, मेरे सामने कुछ और दिख रहा है, तो वो चीज चेंज होता रहता है, तो वो डालना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये डालना है, सब कुछ डाल दिया है। फाइनली हमको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जो सबमिट आपको दिख रहा है उस पर हमें क्लिक करना है, तो उस पर क्लिक करते हैं। तो मेरे सामने वैसे ये इस तरह से फिलहाल खुल चुका है, लेकिन आपके सामने इस तरह से नहीं खुलेगा। सबसे पहले आपको कुछ डिटेल मांगे जाएंगे, जैसे कि आपका यानी कि आपके पास अभी कफ है या फिर कोई भी बुखार वगैरह सब है, तो उसमें नो कर देना, किसी में टिक नहीं लगाना है, आपको किसी में टिक लगाना ही नहीं है। और बाकी जो यस नो वाला ऑप्शन होगा, इस सभी में नो, तीन ऑप्शन होगा आपके पास यस नो वाला, तीनों में नो करना है। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है यही वाला, लेकिन मैं आपको इसमें नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि ये एडमिट कार्ड दोबारा मैं डाउनलोड कर रहा हूं, तो ये हम इसलिए हमारे पास डायरेक्ट खुल चुका है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही बार ये चीज आता है, तो उसमें नो नो कीजिएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास किसी से संपर्क में नहीं आए हैं 10 दिन के अंदर में, सारी मतलब वो चीज वो आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि COVID-19 से लेकर रिलेटेड है, तो उसमें नो नो करना है और बाकी ओके कर देना है। जैसे ओके सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड एडमिट कार्ड का बटन आ जाएगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो तरह से शो होगा और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।